बिना गठबंधन किए चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस के कई नेताओं के हाथ पैर फूल गए हैं। दिल्ली में जीतना है तो केजरीवाल की बैसाखी जरूरी है, लेकिन शर्मिष्ठा मुखर्जी का दम देखिए, वो बिना गठबंधन के चुनाव में उतरने की हिमायत कर रही हैं। शीला दीक्षित इस बात से खुश हो सकती हैं कि उनके विचारों का एक और ने समर्थन कर दिया, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं कि शर्मिष्ठा केजरीवाल से गठबंधन नहीं चाहती, बात तो ये भी है कि उन्हें दिल्ली से कांग्रेस का टिकट चाहिए, और अगर गठबंधन हुआ तो उन्हें भला टिकट कैसे मिलेगा। सो शर्मिष्ठा जी जान से इस काम में लगी हुई हैं कि जो हो सो हो, लेकिन गठबंधन ना हो। प्रणब मुखर्जी तो कम से कम अपनी बेटी के लिए सोनिया और राहुल गांधी से टिकट की सिफारिश तो करेंगे नहीं, इसीलिए शर्मिष्ठा अपने स्तर से लगी हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल हर हाल में गठबंधन चाहते हैं। बात अटकी हुई है, वजह है टिकट की मारामारी। शीला दीक्षित को अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए, जयप्रकाश अग्रवाल को भी टिकट चाहिए, अजय माकन और कपिल सिब्बल को भी टिकट चाहिए। टिकट के तो कई दावेदार हैं, और जो जहां से टिकट चाहता है, जाहिर है कि गठबंधन की सूरत में वो चाहेंगे कि उनकी सीट कांग्रेस के पास रहे। सारा पेच यही फंसा है। शर्मिष्ठा मुखर्जी तो टिकट की दौड़ में काफी पीछे हैं, लेकिन उनके भाई अभिजीत मुखर्जी पूरी तरह से फंस गए हैं। ममता बनर्जी ने निर्ममता दिखाते हुए मुस्लिम आबादी वाले जंगीरपुर से एक मुसलमान उम्मीदवार को उतार दिया। उन्होंने प्रणव बाबू से अपने रिश्तों का जरा भी लिहाज नहीं किया। अब अभिजीत संकट में है, मतलब मुखर्जी परिवार की सियासत ही खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।